सारी गाड़ी कैसी तैसी कर दी, जरा सी भी अकल नहीं है क्या तुम लोगों में? अगर 5 मिनट रुक जाते तो क्या आफत आ जाती? अनपढ़ जाहिल कहीं के, इसलिए तो तुम जैसे लोग हर किसी ना किसी से बेइज्जती करवाते रहते हो हर रोज। अगर मेरा बस चले तो निकाल फेंको तुम जैसे लोगों को जान से। अरे जहां भी चले जाओ मरे पड़े हैं तुम जैसे गंदे और बदबूदार लोग। इतना अच्छा मोड़ था, सारे मोड़ की ऐसी तैसी कर दी। चल निकल जहां से। निकलना हमें नहीं, आपको चाहिए साहब, क्योंकि जहाँ आप जैसे लोग होंगे वहाँ हमारे जैसे लोगों की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। देता है साहब दिखाई, बहुत अच्छे से दिखाई देता है कि बीमार माँ का इलाज कैसे करवाना है। दिखाई देता है साहब, दिखाई देता है कि छोटे भाई की फीस कैसे जमा करवानी है साहब। दिखाई देता है घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका शाम को पेट कैसे भरना है साहब। दिखाई देता है हमें बहुत कुछ, दिखाई देता है साहब बहुत कुछ दिखाई देता है। और हाँ साहब, अगर हम आपके लिए 5 मिनट रुक भी जाते तो क्या होता? जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो हमें हजारों गाड़ियां मिलती हैं। अब अगर आप बताओ, अगर हम एक गाड़ी के लिए 5-5 मिनट रुकने लगे तो हम अपना काम कब करेंगे सर? आप बताओ। ठीक है, आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया, अगर 5 मिनट रुक जाते तो क्या होता? इतनी आसान बात नहीं है हर आदमी के लिए 5-5 मिनट रुकना सर, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, हमें भी आगे किसी ना किसी को कोई जवाब देना पड़ता है, कोई बात करनी पड़ती है सर। ऐसा नहीं हमारे ऊपर कोई नहीं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है इस बात का। हमने भी अपना काम निपटे ख़त्म करके निपटा के कोई आगे और काम करना होता साहब, क्या करें हम? अपने पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है साहब, आपकी तरह नहीं है कि हमारे हम कोई शौक से करते हैं, मजबूरी है। ठीक बोला साहब आपने, अकल तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों में। अगर अकल होती तो इतने कम पैसों में इतना कुछ कर नहीं पाते, सिवाय आप जैसे लोगों की बातें सुनने के अलावा, गालियाँ सुनने के अलावा। आप बिना बात जो आप गंदगी इतनी बिना वजह इतनी गंदगी फैलाते हो, उनको उठा के सही जगह पहुँचाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है साहब। ठीक कहा आपने, अकल तो हमें बिल्कुल नहीं है, अगर अकल होती तो ऐसा काम नहीं करते साहब। अगर हम जैसे गवार लोग ना होते साहब तो आपको फिर पता चलता, जब आपके घरों के पास गंदगी और आपके घरों में बच्चे बीमार होते साहब, ठीक है, फिर आपको पता चलता हम जैसे गवार और अनपढ़ लोगों की अहमियत का पता चलता सर। आपने तो बहुत आसानी से, आपकी बातों से पता चलता है सर कि आप कितने गंभीर हो।
अगर अमीर आप जैसे लोग होते हैं तो हमें ना आ जाए अपने अनपढ़ गवार होने पर। जो हम आपका फेंका हुआ कचरा उठाते हैं, जैसा आपकी बदौलत है साहब, जो आप एक बार यूज होने वाली चीजें खरीद लेते हो और बाद में यूज करने के बाद ऐसी फेंक देते हो, इसलिए हमें ये सब आपका फेंका हुआ कचरा इकट्ठा करके फेंकना पड़ता है। आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया सर, ठीक है, बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि आप पानी पीने के बाद बोतल कहाँ फेंकते हो? आपके बच्चों के यूज़ की हुए डैपर आप एक बार घर से बाहर फेंक रहे हैं तो फेंकने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर देते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको सही जगह पहुँचाने में हमारा कितना योगदान है, कितनी हम उसको मेहनत करते हैं, ठीक है। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया भी अनपढ़ गवार, हम गवार हैं इसीलिए आपकी गंदगी उठाते हैं, फेंकते हैं या फेंकनी होती है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होता ना तो आप ऐसी बात नहीं करते साहब। चलो अच्छा है आपने बोल दिया, आप लोग जेब से अमीर तो जरूर हो सकते हो साहब, लेकिन दिल और दिमाग से नहीं, क्योंकि आप वन टाइम यूज होने वाली चीज़ों के साथ साथ बीमारियां भी खरीदते हो, जिसको आप ऐसे खुले में फेंक देते हो, जिसका बाद में हमको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, जो आप अपनी औकात देखता नहीं, मेरे से जवान लड़ाता है बेवकूफ आदमी। भैया अगर सोचा जाए तो गलती तो अपनी है, अगर मेरी बात का बुरा ना मानो तो हम लोगों को उनसे माफी मांगनी चाहिए। माफी? मैं? वो भी उससे? अगर देखा जाए तो उसने तो सच बोला है, आगे आपकी मर्जी। भैया माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ठीक है, मुझे तो बहुत आपके बच्चों के यूज़ की हुए डैपर आप एक बार घर से बाहर फेंक रहे हैं तो फेंकने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर देते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि आप पानी पीने के बाद बोतल कहाँ फेंकते हो? कहाँ फेंको उसको? सफाई कहीं पे फेंक दे यार, कर लेगा सफाई वाला साहब। और जरा सुनो, गलती होगी मेरे से, उससे मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं साहब, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है साहब, कोई बात नहीं साहब। चल निकल यहाँ से। निकलना तो हमें नहीं साहब, आपको चाहिए, वैसे भी जैस हो रहा साहब, दस दिन मैंने ठीक कहा साहब, थोड़ा जा थोड़ा भाई बन के चल 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 चल, मैं कर दूँ कर दूँगा। हाँ मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी यार, गुस्से में मेरे से कुछ ज़्यादा ही बोला। कोई बात नहीं साहब, इंसान गलतियों का बोला, मेरे हाथ से निकल गई। नमस्कार, आपने जो अभी अभी जो भी वीडियो देखी, ये हमने एक छोटा छोटा संदेश देने की कोशिश की है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट जो आपको अच्छा लगा वो जरूर कमेंट में लिखें, और वीडियो को आगे जरूर फैलाएं और सभी तक ये संदेश पहुँचना चाहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी जो सब्सक्राइबर की फैमिली है उनको बढ़ाएं कि सभी और आनंद ले सके हमारी आने वाले न्यू कंटेंट का, क्योंकि आगे काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, सबको नमस्कार।